सेतु पर लगाई अमेरिका वैज्ञानिकों ने मोहर बताया अद्भुत। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिसे साइंस और वैज्ञानिक नकारता रहा है, जिसमें से एक घटना है रामायण काल में राम सेतु के निर्माण की, जिसके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ राम नाम के लिखने से ही पत्थर पानी में तैरने लगा था। अब इस बात पर अमेरिका वैज्ञानिक ने भी मोहर लगा दी है। अमेरिका के साइंस चैनल ने भूगर्भ वैज्ञानिकों आर्कियोलॉजिस्ट की अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर कहा कि भारत और अमेरिका के बीच राम सेतु के संकेत मिलते हैं। सैटेलाइट से प्राप्त चित्रों के अध्ययन के बाद कहा गया कि भारत श्रीलंका के बीच 30 मील के क्षेत्र में बालू की चट्टानें पूरी तरह से प्राकृतिक हैं, लेकिन उन पर रखे गए पत्थर कहीं और से लाए गए प्रतीक होते हैं। यह करीब 7000 वर्ष पुराने हैं, जबकि इन पर मौजूद पत्थर करीब 4-5 हजार वर्ष पुराने हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के मुताबिक भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम, श्रीलंका के पूर्व उत्तर में मन्नार द्वीप के बीच उत्तरी चट्टानों की एक कड़ी है। इस इलाके में समुद्र बेहद उथला है। समुद्र में इन चट्टानों की गहराई सिर्फ 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच है। इससे भारत में राम सेतु व दुनिया में एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है। राम सेतु भौतिक रूप में उत्तर में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण में शांत और स्वच्छ पानी वाली मन्नार की खाड़ी से अलग करता है, जो धार्मिक एवं मानसिक रूप से दक्षिण भारत और उत्तर भारत से जोड़ता है। ये थी एसएन न्यूज़ की रिपोर्ट।